सो हेलो गाइस, सो गाइस आज की हमारी एडिटिंग होने वाली है कुछ स्टेप से दिवाली फोटो एडिटिंग, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। एंड गाइस अगर आप लोगों को जानना है कि स्टेप से एडिटिंग मैंने कैसे किया, तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और फुल वॉच करिएगा। एंड गाइस जो भी मेरे बंदे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं हमेशा डालता रहता हूँ। एंड गाइस इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा। एंड गाइस जो हमारी ये दिवाली एडिटिंग होने वाली है, वो हमारी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर होने वाली है। तो अगर गाइज आप लोगों के पास ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ इसका लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करिए तो डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड के ऑप्शन पर चले जाएंगे। सो गाइज चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना वीडियो ज़्यादा लंबा किए हुए एक छोटे से। सो गाइज आ चुके हैं हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज चलिए अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। सो गाइज ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आप लोग, ये बैकग्राउंड आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाके इसे सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज सबसे पहला हम चलेंगे अपने टूल वाले ऑप्शन पे। एंड टूल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप लोगों को क्रॉप वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से जो इंस्टाग्राम का साइज है हमारा जो रहता है पोर्ट्रेट में, हम उस पर कर लेंगे। एंड इतना करने के बाद हम सिंपली कर देंगे यहाँ से डन। एंड डन करने के बाद देखिएगा जो हमारा बैकग्राउंड है वो हो चुका है हमारा इंस्टाग्राम के साइज का क्रॉप। एंड गाइज अब बारी आती है हम यहाँ पे एक PNG ऐड करेंगे। तो गाइज जितनी भी मैं PNG ऐड करूँगा सबकी लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करूँगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपल सा मिल जाएगा आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड एंड PNG। तो गाइज ये जो दिख रहे हैं आप लोग वॉल, इस वॉल को हम कर लेंगे बड़ा। एंड इसको नीचे की तरफ लाएंगे, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। एंड इतना करने के बाद गाइज मैं सिंपली कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद देखिएगा जो हमारा बैकग्राउंड है वो हो चुका है क्रिएट। अब बारी आती है हम अपने मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो गाइज अगर आप लोगों को मॉडल को इरेज करते नहीं आता, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहाँ से आप सिंपली जाके सीख सकते हैं कि कैसे अपने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करते हैं। तो गाइज ज़रूर से देख लीजिएगा वीडियो। एंड गाइज अब मैं करता हूँ अपने मॉडल को ऐड। तो गाइज मैंने तो इरेज करके रखा हुआ है, क्योंकि गाइज अगर मैं इरेज करके अगर आप लोगों को बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो गाइज मैं इसको अपने मॉडल को कर लिया ऐड। एंड ऐड करने के बाद इसको मैं कर दूँगा थोड़ा बड़ा। एंड इसको यहाँ पे इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रख दूँगा। एंड इतना करने के बाद गाइज मैं सिंपली फिर से यहाँ से कर दूँगा डन। एंड डन करने के बाद देखिए गाइज जो हमारा मॉडल है वो हो चुका है हमारा ऐड। एंड गाइज अब हमारा थर्ड स्टेप है। तो गाइज अब फिर से हम चलेंगे अपने ऐड फोटो पे। गाइज मैं बार बार आप लोगों को ऐड फोटो पे इसलिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि गाइज जितने भी एडिटिंग होते हैं सब बैकग्राउंड PNG के ही खेल होते हैं, तो गाइज यहीं से कंसेप्ट होता है। तो गाइज मैं 2-3 टेक्स्ट का आप लोगों को PNG दे दूँगा जिस पे लिखाया होगा हैप्पी दिवाली। तो गाइज वहाँ से आप लोग सिंपली जाकर डाउनलोड करके आप लोग भी मतलब अपने मनपसंद का फॉन्ट डाल सकते हो। तो जैसे मैं इसे डालता हूँ, तो गाइज ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ कट। एंड ऐड फोटो पे चलूँगा, फिर से यहाँ से मैं जाऊँगा। एंड यहाँ से मैं कुछ अच्छा सा ले लेता हूँ, तो गाइज मैं ये वाली ले लेता हूँ। एंड इसको यहाँ करने के बाद जो इसका ब्लेंडिंग है इसको मैं कर दूँगा स्क्रीन। एंड इसको मैं बड़ा करूँगा एंड इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा एंड इसे ऐसे करके लगा दूँगा। एंड इतना करने के बाद गाइज सिंपली कर दूँगा डन। एंड डन करने के बाद गाइज देखिए हमारा जो फोटो है वो तो फिलहाल हो चुका है कम्प्लीट। एंड यहाँ से फिर से हम चलेंगे अपने ऐड फोटो पे। एंड यहाँ से फिर से मैं एक PNG ऐड करूँगा। तो गाइज मैं वो PNG ढूँढ लेता हूँ, कहाँ के भाई, ये मिल गया है वो PNG। तो गाइज ये PNG को ऐड कर लेंगे। एंड इसको इसका ब्लेंडिंग मोड भी मैं कर दूँगा स्क्रीन। एंड इसको ऐसे करेंगे एंड इसको इधर की तरफ लगा देंगे। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे लगा देंगे। एंड इसे हम इरेजर पे चलेंगे एंड यहाँ से इरेज पे जाएंगे एंड इसका जो हार्डनेस है एंड ओपेसिटी थोड़े से कम कर लेंगे। एंड इसको हम ऐसे करके चला देंगे तो जो हमारे फेस पे आ रहा है एंड जितना लग रहा है साइड में, तो उसको हम कर लेंगे रिमूव। एंड इतना करने के बाद सिंपली कर देंगे डन। एंड यहाँ से भी कर देंगे डन। अब देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा लग रहा है हमारा दिवाली का कंसेप्ट। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने ड्रॉ वाले टूल पे। तो गाइस अगर आप लोग जब भी पिक्चर्स अपना सेव करते हैं एडिटिंग के बाद,
तो गाइस मैं तो सजेस्ट आप लोगों को करूँगा कि आप लोग जाके ड्रॉ टूल पे ही जाके करें, क्योंकि यहाँ से HD इमेज हमारी सेव होती है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ड्रॉ टूल के अंदर एंड यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा सेव इमेज, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेव। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पे हम थोड़ा फेस का और बैकग्राउंड का कलर एडजस्टमेंट करके फोटो की और भी गजब का बनाते हैं। सो गाइस चलिए अब हम चलते हैं अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस सबसे पहला स्टेप है, हम अपने लाइट वाले टूल पे चलेंगे एंड यार जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है उसको हम कर देंगे इंक्रीज 37 के आसपास एंड इसका हाईलाइट को हम कर देंगे -100, पूरा डिक्रीज कर देंगे गाइस। एंड इसके बाद जो हमारा शेडोज है उसको हम इंक्रीज की ओर कर लेंगे, तो गाइस इतना हो जाएगा 54 के आसपास। एंड इतना करने के बाद जो वाइट है उसको हम डिक्रीज की ओर करेंगे एंड ब्लैक को इंक्रीज की ओर करेंगे। एंड इतना करने के बाद इस वाले टूल पे आएंगे एंड यहाँ से जो टैम्प है हमारा, तो टैम्प को मैं कर दूंगा डिक्रीज की ओर 4-4 के आसपास। एंड इसका टेंट जो है उसको मैं कर दूंगा 8। एंड इतना करने के बाद देखिएगा जो हमारा वो जो ऊपर जो लाइट के PNG जो है वो हमारे फेस पे तो दिख रही है, जैसे देखिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए तो बिल्कुल भी फेक सा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल सा लग रहा है गाइस। एंड गाइस इतना करने के बाद जो इसका वाइब्रेंस है इसको हम देख लेते हैं, तो गाइस इसका जो वाइब्रेंस है इसको मैं कर दूंगा 14 के आसपास। एंड इसका सेचुरेशन जो है मैं कर दूंगा इसको -50। एंड इतना करने के बाद गाइस हम मिक्स वाले टूल पे आ जाएंगे एंड यहाँ से गाइस इस वाले टूल पे चलेंगे ऑरेंज वाले पे एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इसका जो फेस है फेस को ब्राइट कर लेंगे, तो इसका जो लुमिनेंस है उसको मैं 35 के आसपास कर लेता हूँ। एंड इसका सेचुरेशन जो है इसको मैं डिक्रीज कर दूंगा -25 के आसपास। एंड इतना करने के बाद जो इसका ह्यू है इसको मैं कर लेता हूँ 20 या 21 के आसपास कर लेंगे गाइस। एंड इतना करने के बाद गाइस इस वाले टूल पे आएंगे एंड इसके ह्यू को थोड़ा हम डिक्रीज कर देंगे एंड सेचुरेशन को इंक्रीज एंड इसका लुमिनेंस जो है उसको नहीं गाइस लुमिनेंस और इसको नहीं छेड़ेंगे गाइस, ये वाला सॉरी इस टूल को हम नहीं छेड़ेंगे। तो गाइस इतना करने के बाद हम इस वाले टूल पे आएंगे, तो इसका जो सेचुरेशन वो हम कर देंगे -100 एंड इसका ग्रीन का भी सेचुरेशन हम कर देंगे -100 एंड इसका जो है इसका भी कर देंगे हम -100। एंड इसका जो है यहाँ ये शायद हमारे कुछ कलर्स हैं हमारे बैकग्राउंड में, तो गाइज इसको भी मैं कर देता हूँ -100 ही कर देता हूँ। एंड गाइज इतना करने के बाद हम इसका जो लुमिनेंस है उसको हम कर देंगे, लुमिनेंस को कर देंगे 39 के आसपास। एंड इतना करने के बाद सिंपली कर देंगे डन। एंड गाइज थोड़ा देखिए हमारा जो फेस है वो थोड़ा सा इसको और ब्राइट होना चाहिए था, तो गाइज मैं इस पर चलता हूँ एंड यहाँ से मिक्स टूल पर जाऊँगा एंड इसको थोड़ा और ब्राइट कर लूँगा एंड इसका सेचुरेशन थोड़ा डाउन की ओर करूँगा। एंड इतना करने के बाद मैं सिंपली कर दूँगा डन। एंड डन करने के बाद इस वाले टूल पर आऊँगा एंड इसके क्लियरिटी को मैं बढ़ा दूँगा एंड इसका जो पिगनेट है उसको भी मैं हल्का सा डिक्रीज कर दूँगा 15 के आसपास। एंड इतना करने के बाद इस वाले टूल पर आऊँगा एंड इस वाले टूल पर आने के बाद इसको शार्पनेस उसको बढ़ा दूँगा एंड नोज रिडक्शन को भी बढ़ा दूँगा एंड कलर नोज रिडक्शन को भी बढ़ा दूँगा। सो गाइज इतना करने के बाद देखिए जो हमारा फेस है HD लुक आ रहा होगा गाइज, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो गाइज ये हो चुका हमारा दिवाली का कंसेप्ट रेडी। तो गाइज जाइए इस फोटो को, अगर आप लोग एडिटिंग कर चुके हैं तो जाइए इंस्टाग्राम पे FB पे हर जगह पोस्ट कीजिए। तो गाइज आई होप आपकी आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर गाइज वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। एंड गाइज चैनल पर जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले और जल्दी पहुँचे। सो गाइज चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।